हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। क्लास वन, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 8, स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। ओके, अच्छा, आज मैं आपको कंप्यूटर का चैप्टर 8 पढ़ाएंगे। आप इसको मेरे साथ साथ देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप इस चैप्टर को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पढ़ाने से पहले आप लोगों से हम बातें करना चाहते हैं। कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल आप लोगों को 2022 न्यू एडमिशन स्टार्ट होने से पहले एक सरप्राइज ऑफर किया है। उसमें आप लोगों को 6 मंथ का मंथली फीस को पूरी तरह से फ्री किया गया है। ओके, चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एरिया इज विच यू कैन स्टोर योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कॉल्ड स्टोरेज। अब यहाँ पे क्या बताया है, जिस एरिया में हम अपनी जरूरी की चीज़ें जो स्टोर यानी स्टोर करके रखते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, स्टोरेज। ठीक है, कहा जाता है स्टोरेज, कहा जाता है यानी भंडारण। Look at the given picture. These are used to store your things. They are called the storage places. ये देखो, यहाँ पे देखिए आप pictures, यहाँ पे कुछ pictures दिया गया है, उस picture को आप देखिए। और इसमें क्या है, जिस जो जगह को हम लोग जहाँ पे हम अपने ज़रूरत की चीज़ें को रखते हैं स्टोर करके, उसे क्या कहा जाता है, स्टोरेज प्लेसेस यानी स्टोर, भंडारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, यू कीप योर क्लोथ्स इन एन अलमीरा सो इट इज़ ए स्टोरेज प्लेसेस। हम अपने कपड़े को एक अलमारी में रखते हैं तो वो क्या है, स्टोरेज प्लेसेस है। ठीक है, प्लेस है। अच्छा, एवरी डे यू कैरी योर स्कूल बैग। Your school bag is a storage place for keeping your books and notebooks. और हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल बैग में सारे अपने बुक्स, कॉपी, पेंसिल, टिफिन बॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो वो क्या हुआ, हम लोग का स्टोरेज प्लेस हुआ। ठीक है, अच्छा, keep your eatables in the lunch box that you carry to the school. आप खाने की जो सामान होती है लंच बॉक्स में रखती हैं, जिसे आप स्कूल ले जाते हैं। योर फादर कीप्स ऑफिस पेपर्स, फाइल, पेंसिल्स, पेंस एक्सेट्रा इन योर ऑफिस बैग, इट इज ए स्टोरेज प्लेस। आपके पापा जो है ऑफिस के कागजात, पेपर्स, फाइल्स, पेन और भी कई तरह की चीज़ें जो रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं, अपने ऑफिस बैग में, और वो एक क्या है, भंडारण का स्थान है। ठीक है, ए रेफ्रिजरेटर इज ए स्टोरेज प्लेस टू कीप्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एंड अदर ईटेबल्स। हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में क्या क्या रखते हैं, वो भी तो एक स्टोरेज प्लेस है ना, भंडारण का स्थान है। उसमें हम लोग फल, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और भी कई तरह की खाने की चीज़ें हम लोग उसमें रखते हैं ना। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली ए कंप्यूटर ऑल्सो स्टोरेज इट्स डाटा इन ए CD और पेन ड्राइव। यू कैन स्टोर गेम्स, लेटर, स्टोरीज, ड्राइंग्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा इन देम। यू कैन यूज द स्टोरेज डाटा व्हेनेवर यू नीड इट। ठीक उसी तरह, ठीक इसी तरह कंप्यूटर में भी हम अपनी डायरेक्ट CD और पेन ड्राइव में अपने सारे इंफॉर्मेशन जो ज़रूरत की होती है उसे स्टोर करके रखते हैं। कौन क्या क्या रखते हैं, उनमें हम खेल, पत्र, कहानियाँ, रेखा चित्र, गीत और भी कई तरह की चीज़ स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमको इसकी आवश्यकता होती है तब हम संग्रहित डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज नॉन वॉलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस, इट स्टोरेज एंड रिट्रीव्स डिजिटल डाटा फ्रॉम ए प्लैनर मैग्नेटिक सरफेस। हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन
वोल्टाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। यह एक तल्ली चुंबक के सतह की डिजिटल डेटा को संग्रहित एवं पूर्ण प्राप्त करता है। ठीक है, ए हार्ड डिस्क, नेक्स्ट पेज, ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज द परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। वी कैन परमानेंटली स्टोर डाटा इनटू द ड्राइव। द हार्ड डिस्क ड्राइव कम्स इन वैरायटी ऑफ साइज। नाउडेज द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज अप टू 100 गीगाबाइट्स। एक हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर का एक अस्थायी भंडार इकाई है। हम ड्राइव में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव विभिन्न आकारों में आती है। आजकल हार्ड डिस्क की क्षमता लगभग 1000 गीगाबाइट तक होती है। ठीक है, ये चैप्टर आपको ख़त्म हो गया यहाँ पे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।